हेलो बच्चों, अपन लोग सूचकांक क्या पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि हमने पिछले उसमें बताया था पिछली कक्षा में कि सूचकांक क्या है और कैसे उसे निकालते हैं। उसके आगे अभी और भी सूत्र हैं जो कि आप लोग को मैं बताऊंगी। तो इसमें भारित समूही विधि, उसके पहले हमने देखा था मूल्य अनुपात वाला, अब देखेंगे भारित समूही विधि से किस तरह से हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को सूत्र बता रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर कीमत निर्देशांक आधार वर्ष विधि, तो उसका सूत्र क्या है, निर्देशांक बराबर सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटे सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुना 100। तो आप लोग को हमने पहले ही बता दिया था कि जैसे कि पी वन जो है वर्तमान वर्ष, पी जीरो जो आधार वर्ष, क्यू जीरो आधार वर्ष की मात्रा। तो इस तरह से क्यू फोर क्वांटिटी है, पी फोर प्राइस है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि वर्तमान वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष का मूल्य, यहाँ पर आधार वर्ष की मात्रा मतलब क्वांटिटी। तो इस तरह से हम सूत्र में आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें किस चीज को लेना है। फिर है पास्टे का सूत्र भी दिया हुआ है, इसमें भी निर्देशांक बराबर सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटे पी जीरो क्यू जीरो गुना 100। तो इसमें भी वही चीज है, वर्तमान वर्ष का मूल्य, फिर वर्तमान वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष का मूल्य, पी वन क्यू वन और पी जीरो। फिर आगे और भी है इसमें, फिर है डोरावेस बाउले कीमत निर्देशांक। इस विधि में भी कैंसर इसका सूत्र भी है, एक बटे दो, फिर कोष्टक के अंतर्गत सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटे पी जीरो क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन, इस तरह से ये सूत्र है, और फिर गुना 100। तो इसमें पी वन जो है वर्तमान वर्ष का मूल्य है, पी जीरो आधार वर्ष का मूल्य है, क्यू वन जो है वर्तमान वर्ष की मात्रा है, और क्यू जीरो जो है आधार वर्ष की मात्रा है, पी फॉर प्राइस क्यू फॉर क्वांटिटी। उसी तरह से फिसर का निर्देशांक का सूत्र भी है, जिसमें कि अंडर रूट के अंतर्गत सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटे सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुना सिग्मा पी, इस तरह से ये सूत्र है। इसमें आप लोग को अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है पी वन किसको दर्शा रहा है, क्यू जीरो किसको दर्शा रहा है। उसी तरह से मार्शल एजवर्थ कीमत निर्देशांक भी है, जिसमें कि सिग्मा पी वन क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन बटे पी जीरो क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुना 100। तब इन सूत्रों को हम आगे की गणित में हम आपको बताएंगे किस तरह से उसको लिया गया है। ये पूरा गणित दिया हुआ है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर पी जीरो क्यू जीरो जो दिया हुआ है, तो पी जीरो ये है, क्यू जीरो ये है, जब ये दोनों को हमने गुणा किया तो ये चीज हमें प्राप्त हो गया। उसी तरह से ये पी जीरो और क्यू वन है, तो पी जीरो ये है, क्यू वन ये है। इसी तरह से जब इसका और इसका जब हमने गुणा किया तो क्या आ गया, ये हमारा 320 आ गया। उसी तरह से पी वन क्यू जीरो जो है, हमारा पी वन कहाँ है, ये है, क्यू जीरो कहाँ है, ये है। जब ये दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें 1000 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से पी वन क्यू वन भी है, ये दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें 800 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब पूरे गुणा कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये टोटल कर देंगे, तो इस तरह से सिग्मा लगा के ये जो हमने ज्ञात किया उसको लगा देंगे। फिर लास्ट ईयर की कीमत निर्देशांक जो दिया हुआ है, उसमें हमने सूत्र के अंतर्गत ये अंक संख्या रखे हैं, जैसे पी वन क्यू जीरो का है कितना है 1220। उसी तरह से नीचे 480 गुना 100, जब इनको हमने काटा तो हमें ये चीज, ये संख्या जो है ये प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट सूत्र में भी हम वही संख्याओं को रखेंगे, तो इसी तरह से सूत्र जो दिया हुआ है, इसमें सूत्र में हम ये पूरी संख्या रखेंगे और ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से डोरविस का है, पास्टे का कीमत निर्देशांक है, मार्शल का भी है। तो इस तरह से हम जब ये गणित करेंगे तो ये सारे जो उत्तर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा अंतर जरूर है लेकिन हमें प्राय प्राय उसके समान उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मूल्यानुपात समान माध्य विधि, ये जो दिया हुआ है पी जीरो, जिसमें मूल्यांक भारित समांतर माध्य होता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ये सूत्र दिया सिग्मा डब्लू, डब्लू जो है वेट मतलब भार को वह दर्शा रहा है, तो यहाँ पर पी वन बटे पी जीरो गुना 100 बटे सिग्मा डब्लू, डब्लू जो है वह भार को दर्शा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर कुल व्यय, उन पर किए गए व्यय अनुपात प्रतिशत द्वारा जो ज्ञात किया जाता है, अवधि में किया जाता है, उसको सूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये जो गणित दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे
कि सिग्मा डब्लू पी वन पी जीरो गुना 100 बटे, तो ये पूरा दे दिया हुआ है। चाहे तो हम इसको यहाँ पर आपस में गुणा करके भी उसको और लिख सकते हैं। ये क्या हुआ अपना पी वन और ये जो हुआ वह, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मूल्यानुपात है, यहाँ पर आधार वर्ष जो है वह पी जीरो और वर्तमान वर्ष जो है वह पी वन है। तो इस तरह से हमें ये जब ये प्राप्त होगा तो हम ये 40 गुना 200 इसका इसका गुणा करेंगे, फिर यहाँ 30 120, फिर 20 गुना 125, इस तरह से ये आपस में इन दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जब हम संख्या करेंगे तो हमें ये उत्तर जो है ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ये जो है आप लोगों के लिए गृह कार्य है, ये आप लोग को जो सूत्र बताए गए हैं उसके अनुसार ये सारे करने हैं और बाद में जो सूत्र दिया है उसके अनुसार भी आप लोगों को ये सारे गणित जो है वह आप लोगों को हल करने हैं। इस तरह से ये दिए हुए हैं गणित, ये आप लोग को हल करना है।